अभिक्रिया की प्रकृति पर। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसकी प्रकृति उसका नेचर क्या है। रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करती है कि अभिक्रिया किस प्रकार की होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करती है कि अभिक्रिया किस प्रकार की होगी। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उच्चयन, ठीक है। तो ये उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इन अभिक्रिया के प्रकार को सीखेंगे। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया अभिक्रिया का वह प्रकार है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर केवल एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम इसमें उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर N एक है, एक परमाणु है, इधर भी एक है, इधर क्लोरीन के दो हैं, इधर एक है, तो इसमें हमें दो से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ भी दो से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें जो डेल्टा है ये दिखा रहा है कि इसमें जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में दी जा रही है। तो ये तीनों की क्रियाएं इसमें क्या है कि ये एकल उत्पाद बना रहा है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक हैं। सब में अभिकारक की संख्या एक से अधिक है और उत्पाद की संख्या केवल एक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एकल उत्पाद बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें भी कार्बन के दो परमाणु है तो इसमें हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो कार्बन हो गए, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन हो गए, इधर इधर दो ऑक्सीजन है, दो कार्बन है, तो ये संतुलित हो गए। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें
एकल यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। क्यों? क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में क्या है कि दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, और इसमें क्या है, इसमें एकल यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो दूसरा पॉइंट, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। अगला पॉइंट, वियोजन अभिक्रिया केवल तभी संभव है, वियोजन अभिक्रिया केवल तभी संभव है जब इसमें ऊर्जा को ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत किसी एक रूप में दिया जाए। अर्थात जो वियोजन अभिक्रिया है ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया केवल तभी संभव है जब ऊर्जा को किसके रूप में दिया जाए, प्रकाश, विद्युत या फिर ऊष्मा के रूप में दिया जाए। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसी आधार पर जो वियोजन अभिक्रिया है इसके अलग अलग प्रकार हैं। तीन कैटेगरी है। पहला है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, पहला प्रकार है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में दी जाए, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण ये दो उदाहरण है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के जिसमें ऊष्मा को दिया जा रहा है। पहला लेड नाइट्रेट है, जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो लेड नाइट्रेट को हीट करने पर ये एक से अधिक यौगिक में विघटित होता है,
लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इसी तरीके से जब फेरस सल्फेट में उसमें दी जाती है तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है। यहाँ पर कुछ विशेष सिंबल है जो कि मैंने तुम्हें बताया वीडियो में कि एस है जो ठोस के लिए है, डेल्टा क्या दर्शाता है कि ऊर्जा किसके रूप में दी जा रही है, ऊष्मा के रूप में दी जा रही है, ये सॉलिड गैस। एरो अगर ऊपर की तरफ है तो क्या है, ये जो उत्पाद है किसके रूप में, ये गैस के रूप में। यदि एरो नीचे की तरफ होता तो क्या होता है, ये उत्पाद किसके रूप में, अवक्षेप प्रेसिपिटेट के रूप में है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले अभिक्रिया का प्रकार है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया का प्रकार है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया अभिक्रिया का वह प्रकार है जिसमें ऊर्जा किसके रूप में दी जाती है, विद्युत के रूप में दी जाती है। इसकी डेफिनेशन से पता लग रहा है तो वियोजन अभिक्रिया वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा विद्युत के रूप में दी जाती है। उदाहरण के लिए जब हम जल का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, तो जल का विद्युत अपघटन करते समय एनोड पर इलेक्ट्रिक करंट लिखेंगे या विद्युत लिखेंगे और H2+O2 AQ AQ किसके लिए आता है, एक्वस के लिए आता है, मतलब जलीय के लिए, और ये दोनों गैसें हैं, ठीक है। और यहां पर जो ऊर्जा दी जा रही है ये विद्युत के रूप में दी जा रही है। इसके अलावा इसको हम एक्सप्लेनेशन से भी समझेंगे क्योंकि इसका कई बार क्वेश्चन 3 या 5 नंबर में आता है कि जब जल का विद्युत अपघटन होता है तो उसके लिए चित्र बनाइए और किस प्रकार जल का विद्युत अपघटन होता है। जल के विद्युत अपघटन में एक गैस की मात्रा दूसरे गैस की मात्रा के दोगुनी क्यों होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो जल का विद्युत अपघटन, जल के विद्युत अपघटन के लिए एक तो चित्र बनाना पड़ेगा। इसमें हम एक 6 वोल्ट की बैटरी लेंगे और इस बैटरी के दोनों टर्मिनलों को जो इसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक का नाम है जो माइनस वाला है उसको हम कहते हैं एनोड, एनोड इलेक्ट्रोड, और जो प्लस वाला है, सॉरी जो माइनस वाला उसे हम कहते हैं कैथोड इलेक्ट्रोड, और जो प्लस वाला है उसे हम कहते हैं एनोड इलेक्ट्रोड। इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो जल है और कुछ मात्रा में तनु, डाइल्यूट मतलब तनु, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें जब हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो जल का विद्युत अपघटन करते समय इसमें हम कुछ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदे डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं ताकि जो जल है इसमें विद्युत का जो चालन है और अधिक तेजी से हो, इसलिए इसमें हम कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल की हम ड्रॉप डालते हैं। और ये हमारी है टेस्ट ट्यूब, फर्क नली, ये दो क्लैंप हैं जिससे कि इसको रोका हुआ है टेस्ट ट्यूब को, और ये स्टैंड है जिस पर ये बीकर रुका हुआ है। ये प्लास्टिक का लेना है क्योंकि
जो प्लास्टिक होती है प्लास्टिक विद्युत की कुचालक होती है और इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए हमें कैसा लेना है इसको, प्लास्टिक का लेना है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, जब हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं, जल का विद्युत अपघटन करने के लिए हम 6 वोल्ट की बैटरी लेंगे, उस बैटरी के दोनों टर्मिनलों को, निगेटिव वाले टर्मिनल को हम कैथोड से जोड़ेंगे और पॉजिटिव वाले टर्मिनल को हम एनोड इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे। दो हमने परख नली ली, इन दोनों परख नली को इलेक्ट्रोड के ऊपर हमने इन्वर्टेड उल्टा लगा दिया है, बीकर में हमने पानी भर लिया है और उसमें कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें डाल दी है। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करते ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो क्योंकि ये ऋणात्मक टर्मिनल है और हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज होता है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होते हैं, हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज होता है, इसलिए प्लस किसकी तरफ आकर्षित होगा, माइनस की तरफ आकर्षित होगा, तो हाइड्रोजन इस परख नली पर इकट्ठा हो जाएगा। यहां पर हाइड्रोजन कैसे इकट्ठी होगी, ये प्लस का इलेक्ट्रोड है और ऑक्सीजन पर माइनस का आवेश होता है, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो एनोड इलेक्ट्रोड पर इकट्ठी हो जाएगी, तो इसमें ऑक्सीजन इकट्ठी होगी। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जल के विद्युत अपघटन में, जल के विद्युत अपघटन में एक गैस की मात्रा दूसरी गैस की मात्रा से दोगुनी होती है, क्यों? तो इसका बहुत आसान आंसर है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम जल का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा की दोगुनी होती है, यही कारण है इसलिए जल के विद्युत अपघटन करते समय एक गैस की मात्रा दूसरी गैस की मात्रा के दोगुनी होती है, और जो गैस दोगुनी मात्रा में होती है वो हाइड्रोजन है, क्योंकि जल में हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन के दोगुनी है, H2O, जिसमें जल में हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा के मुकाबले दोगुनी है, इसलिए जल के विद्युत अपघटन करते समय हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा के दोगुनी होती है। तीसरा है वियोजन अभिक्रिया का ही प्रकार है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का वह प्रकार है जिसमें प्रकाश वियोजन अभिक्रिया का वह प्रकार है जिसमें ऊर्जा प्रकाश के रूप में दी जाती है। वियोजन अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें ऊर्जा प्रकाश के रूप में दी जाती है, उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिल्वर क्लोराइड, KgCl, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ देते हैं तो उसका रंग
क्यों परिवर्तित हो जाता है? देखिए, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो उसका रंग परिवर्तित क्यों हो जाता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सूर्य का प्रकाश सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करने के पश्चात इसका जो रंग है वो परिवर्तित हो जाता है। इसलिए सिल्वर क्लोराइड को गहरे काले रंग की बोतलों में रखा जाता है ताकि यह सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया ना करे। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे क्लोरीन के दो परमाणु हैं, यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी दो से करनी पड़ेगी। अब दो Hg के हो गए और दो ही Cl के हो गए, यह अभिक्रिया संतुलित हो गई। इसी तरीके से अगर दूसरी अभिक्रिया लेना चाहे इस AgBr, इसमें भी सूर्य का प्रकाश Ag प्लस Br, इन अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता था पहले श्याम स्वैप फोटोग्राफी, जिसे हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, इन अभिक्रिया का उपयोग श्याम स्वैप फोटोग्राफी किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया का उपयोग इसमें किया जाता है। इसके बाद में अभिक्रिया का अगला प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया के हम उदाहरण देखेंगे। इसमें जैसे हमने लिया हुआ है Zn प्लस CuSO4, जिंक और कॉपर सल्फेट। तो इसमें जो जिंक है ये कॉपर सल्फेट से अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक जो है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए ये इसको इसके विलयन से विस्थापित कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। इसी तरीके से इसमें जो कॉपर है वो Ag से, मतलब कॉपर जो है वो सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को अलग कर देगा। तो क्या बन जाएगा? कॉपर नाइट्रेट Cu(NO3)2 प्लस Ag। इसमें
इसमें इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रेट के दो हैं, यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे एजी के दो हुए तो इसलिए अब यहाँ पे भी दो से मल्टीप्लाई होगी। इसी तरीके से जो मैग्नीशियम है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है तो ये मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कर लेगा सल्फेट और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, अलग कर देगा। MgSO4+Cu ये अलग हो जाएगा। जितनी भी विस्थापन अभिक्रिया है सभी विस्थापन अभिक्रिया है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, जितनी वियोजन अभिक्रिया है वो सभी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, और जितनी भी विस्थापन अभिक्रिया है सभी विस्थापन अभिक्रिया है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, सभी विस्थापन अभिक्रिया है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अच्छा, इन अभिक्रियाओं में ये कैसे पता लगेगा कि कॉपर कम अभिक्रियाशील है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यहाँ पर कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है, सिल्वर कम अभिक्रियाशील है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक सक्रियता श्रेणी है जो थर्ड चैप्टर में दी है तुम्हारे, लेकिन मैं अभी बताऊंगा ताकि तुम विस्थापन अभिक्रिया को आसानी से कर सको। विस्थापन अभिक्रिया लिखने के लिए धातु की सक्रियता श्रेणी को मैं लिख रहा हूं, अभी आपको मैंने एग्जांपल दिए थे, लेकिन ये कैसे पता लग पाओगे कि कौन सी धातु जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु जो है वो कम अभिक्रियाशील है, तो ये कैसे पता लगाओगे? उसके लिए मैं सक्रियता श्रेणी लिख देता हूं। तत्व, ठीक है, तो इन तत्वों के आधार पर तुम पता लगा पाओगे कि किस प्रकार जो धातुएं हैं वो कम अभिक्रियाशील हैं या अधिक अभिक्रियाशील हैं। जैसे इस अभिक्रियाशीलता में सबसे पहले आता है पोटेशियम, पोटेशियम, फिर बैरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, इस तरीके से एलिमेंट आते हैं। पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम है, बैरियम है, कैल्शियम है, इसके अलावा सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। ये अभिक्रियाशीलता यहां से स्टार्ट है, इसमें ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसके बाद में जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये घटते क्रम में अभिक्रियाशीलता होगी, घटते क्रम में अभिक्रिया श्रेणी, जिस प्रकार से तत्व दिए हैं तो ये घटते हुए क्रम में ये तत्व दिए हुए हैं।
पोटेशियम के लिए के, बेरियम का बीए, कैल्शियम का सीए है, सोडियम के लिए एनए, एमजी, एएल, जेडएन, एफई, टिन के लिए एसएन है, ठीक है। लेड के लिए पीबी है, जैसे चिन्ह हो गए। हाइड्रोजन के लिए एच है, कॉपर के लिए सी, मर्करी के लिए एचजी, सिल्वर के लिए एजी और गोल्ड के लिए एयू। तो ये हमारी अभिक्रियता श्रेणी है। अब ये जो अभिक्रियता श्रेणी दी हुई है, इस अभिक्रियता श्रेणी में जो सोडियम है, सोडियम कैल्शियम से कम अभिक्रियाशील है, इसमें कैल्शियम से कम अभिक्रियाशील है सोडियम। कुछ कुछ बुकों में ये ऊपर दिया हुआ है सोडियम, लेकिन ये सही नहीं है, कैल्शियम ही अधिक अभिक्रियाशील है। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इनको रखा गया है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। और ये जो मैंने टेबल बनाई है, ये कुछ सिलेक्टेड मेटल है, कुछ चिन्हित धातुएं हैं, उन्हीं की मैंने अभिक्रियता श्रेणी बनाई है। अगर मैं इस अभिक्रियता श्रेणी में जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, लेकिन अगर मैं इसमें इससे ऊपर मैं लिथियम लिख देता हूं, अगर मैं इसमें लिथियम को जोड़ना चाहूंगा तो लिथियम सबसे पहले आएगा, क्योंकि जो लिथियम है वो इससे भी अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। बाकी के जितने अभिक्रिया के प्रकार हैं, ये नेक्स्ट कल क्लास में हम पढ़ेंगे।